सरकारी महकमों के अधिकारी घुसखोरी को अपना अधिकार अब समझते हैं। वैशाली में एक थानेदार की मांग पूरी करने के लिए एक दलित गरीब को बस्ती में घूम घूमकर भीख मांगनी पड़ी। अगर घूस लेने के तरीके बदल रहे हैं तो घूस देने के अंदाज भी तब्दील हो रहे हैं। पहले अंडर टेबल ली जाने वाली घूस अब डंडे के जोर पर ली जाने लगी है, तो मुट्ठी बंद करके घूस देने वालों ने भी घूस के लिए भीख का कटोरा फैला लिया है। वैशाली के मंसूरपुर निवासी सौरभ को जान से मार देने की धमकी मिली थी, लेकिन जब उसने कटहरा थाने में इसकी शिकायत की तो थाना प्रभारी ने 1000 रुपए की रिश्वत मांगी। ऐसे में गरीब सौरभ ने भी घूस देने का नायाब अंदाज अख्तियार किया और इसके लिए बीवी बच्चों के साथ भीख मांगने निकल पड़ा। दरोगा जी के लगे कहे कि दरोगा जी हमरा के कर लुआ, यहाँ देख लू जाके हुआ की स्थिति है। दरोगा जी कहे कि 1000 रुपया ले तब घूस ले, ऐसे घूस हम ऐसे केस न करेली, हमरा आगे देवे ला होइ छी एसपी साहब के 45000 रुपया, ये चलते 1000 रुपया लेबो हम तब घूस तब हम केस करबो। कटहरा थाने में चल रही घूसखोरी की नीचे से ऊपर तक शिकायत की जा चुकी है, लेकिन पुलिस वालों पर कार्रवाई के बजाय शिकायतकर्ताओं को ही जेल भेज दिया जाता है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, गृह सचिव सभी को हमने पत्र दिया था कि पुलिस विभाग में घूस का रेट तय कर दिया जाए काम के आधार पर। उसके बाद एक सप्ताह के अंदर मेरे ऊपर एक मुकदमा लाद दिया गया, फर्जी, हम जेल भी गए हैं। सौरभ का इरादा है कि भीख के पैसों का ड्राफ्ट बनवाकर मुख्यमंत्री को भेजा जाए ताकि मुख्यमंत्री खुद थानेदार को रिश्वत के पैसे भेजकर केस दर्ज करने को कहें। प्रकाश कुमार मधु, सारा समय, वैशाली।